वो सामने जो आप पहाड़ सा देख रहे हैं वहीं पर ग्वालियर फोर्ट है, और अभी हम फूलबाग पर हैं। यहाँ और भी जगह है, जैसे खाने के लिए फेमस चौपाटी है, घूमने के लिए इटालियन गार्डन है। ये हम आ चुके हैं ग्वालियर फोर्ट के रास्ते पर। ये रास्ता हमें ग्वालियर फोर्ट लेकर जाता है। ये रास्ता हमें ग्वालियर फोर्ट के चार गेट में से एक गेट पर लेकर जाता है, जो है उरवई गेट। ग्वालियर फोर्ट आप बाइक से, स्कूटी से या कार से किसी से भी आ सकते हैं। हमारे घर से ग्वालियर फोर्ट 5 से 6 किलोमीटर दूर है। आज हम आए हैं ग्वालियर फोर्ट, मैं और मेरा दोस्त। ये मेरा स्कूल फ्रेंड है, बिल्कुल 10-12 साल दोस्ती को हो गए, काफ़ी अच्छा दोस्त है मेरा ये। और हम ग्वालियर फोर्ट आए हैं, बट लेकिन हमें गाइड करना था लेकिन अवेलेबल नहीं हो पाया। और चलते हैं, मैं आपको पूरा ग्वालियर फोर्ट दिखाता हूँ। हम आ चुके हैं ग्वालियर किले पर, और ये है पहला स्ट्रक्चर जो आप किले के अंदर आते ही देखेंगे। ये है राजा मानसिंह जी की रानियों के लिए बनवाया गया शिव मंदिर, जो एक टाइम पर जेल भी बना। वो स्टोरी मैं आपको आगे बताऊंगा, बस वीडियो एंड तक देखना। ये हम आ गए हैं शिव मंदिर में, और आप स्ट्रक्चर देखिए मंदिर का, मतलब कितना अच्छा है, अपने समय में कितना अच्छा दिखता होगा। इस मंदिर में 82 पिलर हैं। ये शिव मंदिर रानियों के लिए बनवाया गया था पूजा करने के लिए, बट लेकिन जब जहांगीर का टाइम आया तो उसने ये मंदिर हटवाकर इसको जेल बना दिया, और यहाँ पर 52 राजाओं को कैद में भी रखा था। वो राजा जो टैक्स वगैरह नहीं देते थे, और ये पिलर्स की बॉटम पर जो डिज़ाइन देख रहे हैं, मतलब जो कट्स लगे हैं, वो चेन को एक जगह पर रखने के लिए काम आते थे, ताकि जब किसी को बांधे तो वो चेन घूमे ना, मतलब जिसको बांधा है वो एक ही जगह पर रहे। राजा सूरज सिंह यहाँ के पहले राजा थे, और लास्ट में सिंधिया आए। इनके बीच में 108 राजाओं ने राज किया, जिसमें से 7 वंश के अलग अलग राजा थे, जैसे कि कछवाहा, तोमर, सोलंकी, मुगल, लोधी और सिंधिया। इनमें से फेमस राजा जो हुए वो थे राजा मानसिंह, जो तोमर डायनेस्टी के थे, और उनका टाइम 15th सेंचुरी में रहा। उनकी 9 रानियाँ थीं, जिसमें से 8 रानियाँ सेम कास्ट की थी, मतलब राजा महाराजा की बेटियाँ। और 9वीं रानी का स्टोरी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। 8 रानियाँ मेन पैलेस में रहती थी, जिसका नाम था मान मंदिर पैलेस, और 9वीं रानी के लिए अलग से एक महल बनाया गया सिटी में, जो था गुजरी महल। मंदिर के साइड में है स्टेप वेल, मतलब बावड़ी। आइए चलते हैं इसके पास, इसकी भी अपनी स्टोरी है। शिव मंदिर के टाइम पर यहाँ मानसिंह जी स्नान करके पूजा पाठ करते थे, लेकिन जब ये मंदिर जेल बना तब कैदियों को यहाँ से पानी वगैरह पिलाया जाता था। सामने है मान मंदिर पैलेस, जो कि है मेन पैलेस।
उस टाइम का संगीत रूम, ऊपर 8 जालियां हैं जिन पर काले पर्दे लगे होते थे, जिनके पीछे रानियां बैठती थी, क्योंकि उस टाइम पर्दा चलता था, रानियां पर्दे में रहती थी। ये है प्राइवेट मीटिंग हॉल, जिसको दीवाने खास भी बोलते हैं। ऊपर 9 झरोखे हैं क्योंकि यहाँ लास्ट वाली रानी भी बैठती थी। ये रानियाँ यहाँ पर्दे के पीछे बैठती थी। सामने सबसे ऊपर एक औदा था जो टूट गया है, जहाँ पर मानसिंह जी बैठते थे, और जो ओपन एरिया है वहाँ पर स्टेट वाइज राजा बैठते थे और नीचे मंत्रीगण वगैरह। सामने है राज परिवार का मोनो, मानसिंह तोमर, तोमर वंश के राजा थे तो उनका सनफ्लावर मोनो था। ये है मंदिर जस्ट दीवाने खास के सामने। सामने जो आप दीवारों पर स्क्वायर कटिंग देख रहे हैं, वहाँ पर कलरफुल ग्लास और डायमंड्स लगे होते थे। ये ऊपर आप जो हुक्स देख रहे हैं, वहाँ पर पर्दे लगते थे, और सामने एक सिंहासन था जहाँ भगवान विष्णु जी की मूर्ति रहती थी। आइए आपको दिखाता हूँ एक इंटरेस्टिंग चीज, जो है गुप्त सुरंग। सामने जो ईंटों की दीवार है, ये गुप्त सुरंग हुआ करती थी। यहाँ से ये रास्ता गुजरी महल जाता था, और वहाँ से ये रास्ता 3 भागों में बट जाता था, अंडरग्राउंड होते हुए सीधा जंगलों में। और दूसरा, ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, ये था भटकाने के लिए। ये लोहे का दरवाज़ा जो था, ये भटकाने के लिए था। ये है इस महल का दूसरा कोर्टयार्ड। इस जगह के 3 नाम थे, रंग महल, शीश महल एंड डांसिंग हॉल। इसमें 8 जालियाँ हैं जिसके पीछे 8 रानियाँ बैठती थी, चार इस तरफ। और ऊपर जो ओपन बालकनी है, वहाँ पर राजा और 2 गेस्ट बैठते थे, और जो चीफ गेस्ट थे उनको सबसे ऊपर बैठाया जाता था, क्योंकि यहाँ पे अतिथि देवो वाला सीन था, भगवान माना जाता था गेस्ट लोगों को। और जो स्क्वायर कटिंग देख रहे हैं आप, मतलब जो रेक्टेंगल कटिंग है, वहाँ पर अलग अलग ग्लासेस रहते थे, अलग अलग कलर्स के दोनों साइड, और बीच बीच में मशाले रहती थी जो एक दूसरे पर रिफ्लेक्ट करती थी, तो कांच में से लाइट्स निकलती थी अलग अलग कलर्स की। और जो बीच में जो डांस करने वाले लोग होते थे, उनकी ड्रेस पे भी कांच लगे होते थे, तो एक तरीके से डीजे वाला लुक रहता था पूरा, जैसे मुगले आजम पिक्चर में है। मतलब 500 साल पुराने के टाइम पे भी, मतलब डीजे जैसा सिस्टम था विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, और जो दीवारों पे कलर्स हैं वो बिल्कुल नेचुरल कलर हैं, फूल पत्तियों से बनाए हुए। ये है मेन बेडरूम, राजा का सबसे खूबसूरत रूम इस महल का, मानसिंह जी के टाइम में। सामने ये कूलर है विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, वो भी 500 साल पहले। सामने जो ये होल है, इनमें बांस का डंडा रहता था, उन पर पंखुड़ी रहती थी, नीचे केसर का पानी रहता था, ताकि जब पंखुड़ी पानी में डूबकर बाहर निकले तो केसर की खुशबू आए। और किले के इतने हाइट पर होने की वजह से हवा से ये पंखुड़ी घूमती थी। ये है झूला घर, मानसिंह जी के टाइम का, उनकी 8 रानियों के लिए, बट बाद में ये जेल भी रहा।
उसको जेल में रख दिया यहाँ पे अपने भाई को कैद किया था और यहाँ पे भाई को फांसी दी थी क्रॉस को ऑर्डर दिया था इंदिरा गांधी को उस पर जूलों के घूमे बाद में जो ये सिंधिया भरा हुआ है ना छोटी से भरा हुआ है दोनों साइड इससे बांध रखा था उनको और इधर लोहे की रॉड लगा के उस पर टांग के फांसी दी थी जो भरा हुआ है उसमें खराब किया हुआ ये है मेन झूलाघर मेन झूलाघर ये मेन झूलाघर है यहाँ पे ज़्यादा मेन झूलाघर बहुत बड़े बड़े झूलाघर चार झूले लगे हुए हैं यहाँ पे कॉलेज के टाइम के लिए था और यहाँ से जब राजा युद्ध पे जाते थे तो रानी वगैरह सब यहीं से देखते थे और जब मान सिंह जी को मारा गया था तो यहाँ पे झंडा हुआ करता था और इस झंडे को जब गिरा दिया गया तो रानी समझ गई थी कि राजा मर गए हैं लाइट बंद हो गई। ये है उस टाइम के लाइटिंग के लिए बिल्कुल रिफ्लेक्शन मैकेनिज्म उस टाइम 500 साल पुराना ताकि 3 लेवल नीचे तक लाइट पहुंचाई जा सके। गाइस हम आ चुके हैं ये उस टाइम का टेलीफोन मतलब यहाँ से अपनी नौवीं रानी जो गुजरी महल में रहती थी ना वहाँ तक बात कर सकते थे यहाँ से बोलते थे और यहाँ से सुन सकते थे पाइपलाइन सोचते टेलीफोन यहाँ आया तो उस टाइम की हाइट कितनी हुआ करती थी टेलीफोन यहाँ आया तो कान लगा के सुनने की हाइट कितनी हुआ करती थी लोगों की लेकिन यार सही बात है 500 साल सोचना ग्राम बेल ने 200 साल पहले टेलीफोन का इन्वेंशन किया था और यहाँ मानसिंह जी के पैलेस में 500 साल पुराना
आइए चलते हैं बाहर मान मंदिर पैलेस के, मतलब मानसिंह पैलेस, ये दोनों नाम एक ही जगह के हैं। और आप लोग देख सकते हैं आज यहाँ काफ़ी लोग आए हैं ग्वालियर फोर्ट देखने, लगता है दिवाली के बाद आज ही फ्री हुए हैं सब लोग। आइए चलते हैं आगे, लेते हैं टिकट। आगे अलग अलग महल हैं जैसे करण महल, जहांगीर महल और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और यहाँ से मैं आपको ग्वालियर का व्यू भी दिखाऊँगा। ये अलग अलग महल है पता है, एक तो उनके दादाजी ने बनवाया था और एक मानसिंह के बेटे ने बनवाया था। हमने जो अभी देखा वो था राजा मानसिंह पैलेस, और ये है दूसरा पैलेस जहांगीर महल, जहांगीर महल। और यहाँ पे अलग अलग छोटे छोटे महल हैं जो एक तो मानसिंह के दादाजी ने बनवाया था और एक उनके बेटे के लिए है। यहाँ पे आने के लिए आपको अलग से 20 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा, और जो हमने अभी देखा वहाँ 25 रुपये का टिकट था। और आइए चलो देखते हैं ये करण महल। सामने है विक्रम मंदिर, विक्रम सिंह तोमर राजा मानसिंह जी के बेटे थे, उन्होंने यहाँ शिव मंदिर बनवाया था। ये है करण महल, ये महल मानसिंह जी के दादाजी ने बनवाया था जिनका नाम था करण सिंह तोमर। ये महल मानसिंह पैलेस से भी पुराना है, पहले ये महल 4 मंजिल का होता था लेकिन 2 मंजिल टूटने के कारण 2 मंजिल बंद है। ये ग्वालियर फोर्ट अलग अलग भाग में बटा हुआ है, इसमें बनी बिल्डिंग्स अलग अलग टाइम की हैं, और कुछ जगह सिंधिया स्कूल के अंडर है और कुछ सिखों के, जहाँ पर गुरुद्वारा है। ठीक है, दूर उतर लोग कैसे पूछे प्यार की ताकत देखी लोगों की, प्राइस पांच तक नाम निकल गए लोगों ने अपने अपने।
यहाँ चारों ओर 40 कमरे बने हुए हैं। ये कमरे जब जहांगीर का शासन था और उसने जब 52 राजा को कैद किया था वो शिव मंदिर में, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, तो यहाँ बस उसके सोल्जर रहते थे। उनकी ड्यूटी रहती थी किले की बाउंड्री वॉल पर, तो उन सैनिकों के लिए ये कमरे बनाए थे। गाइस ये है सोल्जर्स की नहाने की जगह, ये यहाँ पे सारे सोल्जर्स नहाया करते थे। वो चेंजिंग रूम है वहाँ पर। गाइज ये है चेंजिंग रूम सोल्जर्स का, सारे सोल्जर्स हमारे चेंज किया करते थे। गाइज तो चलते हैं जहांगीर महल और पहले बोर्ड। तो ये स्पेशल क्यों बनवाया था? उन्हीं की शर्त थी। शर्त उनकी तीन शर्तें थी कि एक तो पहले वो पर्दा नहीं रखेंगी, दूसरा कि जब भी राजा शिकार पे जाएंगे तो उनके साथ जाएंगी, तीसरा कि वो अपने सिर्फ गांव का पानी पिएंगी और कहीं का पानी नहीं पिएंगी, क्योंकि उनकी जो सुंदरता का जो रास था वो उनके गाँव का पानी था। नीचे इसलिए बनाया गया है क्योंकि इसके मतलब इतना ऊपर किले के ऊपर पानी लाना उनके गाँव का पॉसिबल नहीं था, इसलिए उनको सेपरेट महल दिया गया और स्लोप के जरिए पानी लाया गया उनके उधर, इसलिए उनका अलग से था। और जो टेलीफोन तो देखा ना अभी, वो टेलीफोन यहीं से इधर ही बात करने के लिए बनाया गया था, वहाँ से वो बोलते थे और यहाँ तक आवाज़ आती थी, फिर यहाँ से तक बोलते थे तो वापस आवाज़ आती थी, मैकेनिज्म बनाया, इसलिए उनका नीचे बनाया गया है क्योंकि ऊपर तक पानी लाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि राजा जबान के पक्के थे, इसलिए उन्हें जबान दे चुके थे वो, इसलिए उनको करवाना पड़ा। गाइस तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे ना पूरा बुकिंग हो रखा है, यहाँ पे सब जगह कपल्स बैठे हुए हैं सारी जगह, तो अब उनके घर पे दिख जाए तो पता नहीं, रिमूव जाएगा तो सब जगह बैठे हुए हैं, अनकंफर्टेबल हो गए, पूरा एरिया घिरा हुआ है, बुक रहती है यहाँ, बुकिंग है पहले से। ये सामने है तालाब जिसको बोलते हैं जौहर कुंड, क्योंकि 1832 में जब इल्तुतमिश का आक्रमण हुआ था तब यहाँ के राजा बहरेन देव फाइट करते हुए मारे गए थे, उसके बाद उनकी रानियों ने दासियों ने मतलब टोटल 17 लेडीज़ ने जौहर किया था, तो उनकी याद में ये तालाब बना है। सामने है किंग्स मेमोरियल,
ये भीम सिंह राणा जाट वंशज राजा थे। जब वो फाइट करते हुए मारे गए थे तो उनकी चिता यहीं पर जलाई गई थी। ये छतरी उनके मेमोरियल में बनी है। एक जौहर मानसिंह पैलेस का है और एक यहाँ का, बट यहाँ का उससे भी पुराना है। मानसिंह पैलेस से भी पुराना जौहर था यहाँ का। सामने है अंग्रेज़ों के टाइम का बारूद कारखाना। ये 1881 का है। यहाँ पर तोप गोले हथियार राइफल बनाते थे अंग्रेज़ वगैरह। गाइस, तो ये वाली मूर्ति को छुपा दिया गया था औरंगजेब के टाइम पे, और फिर बाद में ये हवन कुंड में मिली थी। और चलते हैं मंदिर। ये जो लगा हुआ है ना तांबे का, ये बाद का काम है। जो मूर्ति है वो पुरानी है, ये पॉलिशिंग पर सब बाद में हुआ है। ऊपर जो गुम्बद है उन पर सोने की प्लेट लगी हुई थी। जितने भी कलर्स आप देख रहे हैं सारे नेचुरल कलर्स हैं, फूल पत्ती से बनाए गए। ग्लास को हाई टेम्परेचर पर मेल्ट करके तभी ये इतने सालों से हैं यहाँ पर और बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए हैं। आपने किले बहुत सारे देखे होंगे भारत में, एक से एक बड़े खूबसूरत, बड़े और छोटे किले। लेकिन भारत में ये मानसिंह महल की अलग जगह है। ये बाबर ने बाबर नामक बुक में वर्णन किया है कि लेडीज़ के गले में जैसे सोने का हार शोभा देता है, वैसे ही सारे भारत के महलों की लिस्ट में मानसिंह का महल एक सोने का हार है। चलते हैं वापस, निकलते हैं किले से बाहर। और सामने जो आप छतरी देख रहे हैं ये है दीवाने आम। यहाँ पर मानसिंह जी बैठते थे और सामने प्रजा वगैरह बैठते थे और उनसे बातचीत करते थे, अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते थे। ये है सास बहू टेम्पल, नाम बड़ा फेमस है। बड़ा मंदिर सास के नाम से है और जो दूसरा वाला है वो है बहू टेम्पल। ये 11th सेंचुरी के हैं। उसी लैंग्वेज में, किसी लैंग्वेज में पढ़ सको तो गाइस हमें भी बताना जरा। राजा महिपाल नाम के राजा थे। उनकी माँ भगवान विष्णु जी की पूजा करती थी। विष्णु भगवान को सहस्त्र बाहु बोलते हैं, मतलब हजार भुजाओं वाले। तो मंदिर का नाम सहस्त्र बाहु मंदिर था। ये है बाहु टेम्पल। जब राजा महिपाल जी की शादी हुई थी तो उनकी वाइफ शिव जी की पूजा करती थी, तो उनके लिए ये दूसरा मंदिर बनवाया था। सास विष्णु जी की पूजा करती थी और बहू शिव मंदिर में पूजा करती थी।
इसलिए इसको शॉर्ट में सास बहु टेम्पल बोलते हैं। वैसे पूरा नाम सहस्त्र बाहु मंदिर है। हम लोग आए थे यहाँ फोर्ट देखने और सास बहु टेम्पल देख के आए, और हम जा रहे हैं अभी दिल्ली के मंदिर। 5:20 हो गए हैं टाइम, और चलते हैं। ये हम आ गए हैं तेली के मंदिर के पास। यहाँ भी विष्णु जी की पूजा होती थी। ये मंदिर प्रतिहार राजा मीर भोज के समय में बनवाया था। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने इस मंदिर को सोडा फैक्ट्री के रूप में भी यूज किया था। गाइस, तो ये है तेली का मंदिर, और ये भी ग्वालियर फोर्ट के पास है। यहाँ पे सास बहु टेम्पल है, यहाँ गुरुद्वारा है, और दी फेमस स्कूल सिंधिया महल भी है। यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं पीछे, ये तेली का मंदिर है, काफ़ी अच्छा। ये सारे मंदिर थोड़े थोड़े तोड़ दिए गए थे जब यहाँ पे फाइट वगैरह हुई थी, और औरंगजेब के टाइम पे। तभी आपने देखा कि महल में जो झूला गृह थे वहाँ पे जेल बना दिया गया, स्नान गृह को जौहर करना पड़ा वहाँ पे। और काफ़ी अच्छा जगह है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा बहुत टूरिस्ट आते हैं। आपने तो देखा यहाँ पे कितनी भीड़ है, और काफ़ी अच्छा मंदिर है। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे हमारे सारे हिंदू गॉड सबकी कलाकृति बनी हुई है, सबने कितनी प्रॉपर मतलब कितना अच्छा कार्व किया है स्टोन में, और काफ़ी अच्छा है ये महल मंदिर सॉरी ये महल नहीं है। और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आप तो, मैं सनराइज़ के टाइम आने वाला था, बट लेकिन सुबह कुछ इशू हो गया, मैं आ नहीं पाया यहाँ पे। लेकिन काफ़ी अच्छी जगह है यहाँ पे। नेक्स्ट आपको दिखाएंगे जयविलास पैलेस।